रेल मंत्रालय ने 15 अप्रैल से संभावित ट्रेन परिचालन के मद्देनजर कोरोना वायरस संबंधी प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। इसके तहत रेल यात्री को एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले स्टेशन आना होगा। इससे स्टेशन पर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकेगी। स्टेशन पर केवल आरक्षित टिकट वाले यात्री को प्रवेश करने की अनुमति होगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिक्री की जाएगी। रेलवे दस्तावेजों के अनुसार रेलवे सिर्फ नॉन एसी ट्रेन यानी कि स्लीपर श्रेणी वाली ट्रेन को चलाएगा। ट्रेनों में एसी श्रेणी कोच नहीं होंगे। यात्रा से 12 घंटे पहले यात्री को अपने सेहत की जानकारी रेलवे को देना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर रेल यात्री को बीच सफर में ट्रेन से जबरिया उतार दिया जाएगा। यात्री को 100% रिफंड वापस दिया जाएगा। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को सफर नहीं करने का सुझाव भी देगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कोई भी यात्री खांसी, जुकाम, बुखार आदि जैसे कोरोना वायरस जैसे लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो टीटी व अन्य रनिंग स्टाफ ऐसे यात्री को बीच रास्ते में ट्रेन रुकवाकर नीचे उतार देंगे। ट्रेन के सभी चारों दरवाजे बंद रहेंगे जिससे गैर जरूरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी होगी और नॉन स्टाफ चलेगी। जरूरत के मुताबिक 1 अथवा 2 स्टेशनों पर रोका जा सकता है। वेटिंग टिकट वाले नहीं चढ़ पाएंगे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन परिचालन संबंधी प्रोटोकॉल तैयार है। कोरोना पर गठित मंत्रियों के समूह के निर्देश सुझाव के अनुसार उक्त प्रोटोकॉल को यथावत अथवा बदलाव के साथ लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में 307 ट्रेनें चलाने की योजना है। इसमें से एडवांस बुकिंग के चलते 133 ट्रेन में सीटें हाउसफुल होने के कारण लंबी वेटिंग चल रही है। वेटिंग टिकट को रद्द किया जाएगा। स्टेशन पर प्रवेश के दौरान रेल यात्रियों को मास्क और दस्ताना दिया जाएगा। इसके एवज में रेलवे यात्रियों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। स्टेशन व ट्रेन में यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कमोबेश रनिंग स्टाफ को भी मास्क व दस्ताना पहनना जरूरी होगा। कोच के भीतर बाहरी वेंडर का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा।